बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अब मई का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती जा रही है। मई और जून दो महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपको बर्फ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अप्रैल मई जून तीन महीने पड़े। अच्छा, होता ही है कि अब इसी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, वो इसी में आती हैं। हफ्त होता है, गर्म हवा चलती है, गर्म हवा से बचाना है या फिर आपको सर्दियों में सर्द हवा से बचाना होता है। अब होता ये है कि इसी सीज़न में जो है ना प्रॉब्लम्स आती है, तो इसमें हम जो बर्ड्स को जो है वो ठंडा रखने के लिए, उनके पौधे ठंडा रखने के लिए जो है ना, उनको हम जो है वो देते हैं क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट ट्रीटमेंट। अब इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रोलाइट बड़े महंगे महंगे आते हैं तो बाहर कंपनी के होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है न्यू फैंसियर को। तो ये वीडियो जो भी बनती है वो न्यू फैंसियर के लिए बनती है। तमाम बड़े उस्ताद बड़े फैंसियर तो ये ऑलरेडी ये यूज़ करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद भी ये यूज़ करता हूँ और लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि जो न्यू फैंसियर है उसको प्रॉब्लम ना हो और जो हॉबी है हमारी प्रमोट हो। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि सौंफ और पुदीने का पानी बहुत ही बेहतरीन था, वो पोटो को बहुत ठंडा रखता है। अगर आप कबूतर वगैरह वाले जो देखें तो वो उड़ाते हैं कबूतर, तो वो ये सौंफ पुदीने का पानी से लाते हैं। वो बुलंदियों के छः छः आठ आठ घंटे उड़ते हैं और बिल्कुल पोटे ठंडे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको। और जब छः छः आठ आठ घंटे के बाद वो आके उतरते हैं तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट होते हैं। तो मैंने खुद भी देखा है। और ये जो लबर्स वगैरह के अंदर भी ना, और जो तमाम पैरेट्स के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि आप ORS वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो एक वीडियो और आने वाली है जो कैल्शियम ORS और ये दो तीन चीज़ों से मिलकर हम आपको बताएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़े बड़े उस्ताद उसको यूज़ करते हैं। खैर, आज जो मैं टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं, आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है तो हम इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक से बात हो। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है करछी का चौर का। ये चौर का देख लें आप, ये करछी का है, बेहतरीन चीज़ है आपके अगर इस गर्मी में भी, अगर जैसे किसी ने ले कर दी हो और अब उसके बच्चे हैच हो गए हों। वैसे तो आप देख लें तकरीबन सबके बॉक्सेस वगैरह यहाँ से देख लें मैंने रिमूव कर चुका हूँ, लेकिन जो अभी लोग कुछ लोग होते हैं जिनके अगर आ जाते हैं जैसे मार्च में अप्रैल में तो बच्चे पल रहे होते हैं, तो बेहतरीन चीज़ है बच्चे अब जो हैं छोटे बच्चे जिसको आप ये पिलाएंगे, बड़ों को पिलाएंगे, निज़ाम हाजमा बेहतरीन रहेगा, बच्चों को पिलाएंगे वो सर्वाइव करेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। इसके अंदर जो अजवा शामिल है वो सौंफ है, अजवाइन है और सूखा पुदीना है, और ये बहुत बेहतरीन ठंडी चीज़ें हैं कि गर्मियों में देने के हिसाब से है। और इसमें देने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें आप हफ्ते में दो दिन दें, तीन दिन दें, कोई इशू नहीं है। एक दिन गैप करके भी दे दें तो कोई इशू नहीं है, मियार को नॉर्मल रखें जो भी मियार। अब एक लीटर पानी के अंदर 5 ml यूज़ होता है और इसका जो एक ढक्कन है मैंने चेक किया हुआ है ये 5 ml है, तो आप एक लीटर में ये ढक्कन डाल सकते हैं जो कि 5 ml होगा। तो ये बेहतरीन चीज़ है, इसमें जो है दिलो दिमाग जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि इसके अजय जो है ना ये जो ठंडा रखता है जो है ना गर्मियों के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, और निज़ाम हाजमा जो है ना इससे बहुत बेहतरीन हो जाता है इस चौर का से। तो एक लीटर पानी में चौर का आप मिला के दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप रेगुलर देते रहेंगे तो आपका जो बर्ड है ना तो वो हाँपेगा और ना ही क्या नाम है वो बच्चे जो होंगे वो मरेंगे। तो बेहतरीन चीज़ है, इसको आप यूज़ कराइएगा। एक लीटर पानी में 5 ml, और जैसा भी जिसका ज़्यादा हो तो वो दे सकता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको आप यूज़ कराएं, फिर आप मुझे बताइए कमेंट्स में जिस जिसने यूज़ कराया हो। और अगर जिसको नहीं पता ये मैं आपको बताता चलूँ कि बड़े बड़े उस्ताद जो हैं ये वो ये नुस्खा देते हैं और बड़े बड़े ऑप्शन जो है आपको देते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप इसको दें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। एक चीज़ और, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करें, और अपने ग्रुप में फ्रेंड्स वगैरह में जो भी बर्ड्स के हवाले से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।